अच्छी अच्छी धूप के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज है अपना भोपाल में आखिरी दिन। वैसे तो ये आखिरी दिन कल होना था क्योंकि हम लोग की जो पहले जो ट्रेन थी वो रात में थी, बट अब हम लोगों ने सोचा कि चलो यार एक दिन और एक्सटेंड कर देते। तो आज है अपनी बस जो कि 9 बजे है और सुबह पहुंच जाएगी 7 बजे कानपुर। तो कानपुर वालों, हम लोग कानपुर आ रहे हैं। बता दूँ आपको कि मैं फ़र्स्ट टाइम बस से ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये मेरी पहली बस जर्नी भी होगी। तो बस अभी है अपना आखिरी दिन, तो घूमना तो बनता है भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने। कहाँ जा रहे हैं वो हम लोग आपको बताते जाएंगे रास्ते में। पहले जब हम लोग आए थे तब ठंड हो रही थी, अभी थोड़ी धूप निकली हुई है तो गर्मी हो रही है थोड़ी थोड़ी। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको लास्ट डे इन भोपाल। तो हम लोग एक जगह जा रहे हैं जो कि देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है नेटवेट पे, बट अब जाके पता चलेगा कैसी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा भूख भूख लग रही है तो ब्रेकफास्ट करेंगे, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम लोग को बीच में ही एक रेस्टोरेंट मिला है जिसका नाम है सागर गेरे। और एक रवा मसाला डोसा। ये अपना डोसा आ गया। डोसा दो में इन्होंने सांभर डाल दिया है, एक में नारियल की चटनी डाल दी है। अब टेस्ट करते हैं कैसा है भाई। ठीक है, डोसा डोसे जैसा ओके। डोसा फिनिश हो गया। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ छोला कुलचा। ये कुलचा तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर छोले कुलचे खाने तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में छोला कुलचा बेस्ट मिलता है। देखिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन वॉल्स कानपुर पहुंच के हम पूरा करेंगे, तब तक हम लोग आ गए हैं भोपाल के पीपल्स मॉल। काफ़ी बड़ा है देखने में, अब अंदर जाएंगे पता चलेगा कैसा है। वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको जो भी इंडिया के जो फेमस प्लेसेस हैं उनका स्टैचूज देखने को मिलेगा। हम लोग जितना हो सके अच्छी अच्छी जगह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं भोपाल की, तो उसमें से मुझे ये अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे आई हूँ। सामने मुझे दिख रहा है पीपल्स वर्ल्ड टिकट काउंटर दिख रहा है, मुझे टिकट लेनी पड़ेगी तब हम अंदर जाएंगे। 90 वर्चुअल सिनेमा, ये मेरा बड़ा मन है करने का। मैं सोच रही पहले शूट कर लूँ फिर टाइम बचेगा तो मैं ये कर लूँ। तो ये रहा अपना ताजमहल, एंट्री गेट है यहाँ से। हम लोग आगरा नहीं गए ना अभी, अभी जब जब जाएंगे तब वो असली वाला दिखाएंगे। अभी आप यही देखिए। सेम टू सेम असली ताजमहल लग रहा है लेकिन ये असली नहीं है, अफसोस। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, ये भी देखना चाहिए। पता है एक मॉल में सारे वंडर्स दिखा देंगे अगर मिले तो। हम लोग आ गए हैं ताजमहल के पास। मैं बहुत पहले गई थी असली में, आगरा गई थी मैं, तो मैंने असली का ताजमहल देखा था, तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी। अब हम लोग
आगरा से आगे बढ़ते, मतलब ताजमहल से आगे बढ़ते, आगे मुझे रेड फोर्ट दिख रहा है। अब हम जाएंगे दिल्ली। आगरा से दिल्ली पहुंचने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। वो देखिए पहुंच गए दिल्ली। तो ये आ गए हम लोग आगरा से दिल्ली, दिल्ली के रेड फोर्ट। ऊपर चलते हैं, चढ़ाई चढ़ा रहे हम लोग चढ़ाई। ये ऊपर ऐसे फोटोज वोटो खिंचवाने के लिए कोई है नहीं, ये वंडर फोटो खिंचवाने के लिए। थक गई मैं तो, थक गई भाई। वो आईफिल टावर बना हुआ है क्या? ये कैसा लोकल आईफिल टावर लग रहा है मुझे। रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, अब देखते हैं आगे क्या। हमें पता नहीं चल पा रहा है क्या है, क्योंकि वो लिखा नहीं है ना, और ये फेमस भी नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते देखते क्या है। और लाल किले से निकल के और ये जो भी था उससे निकल के हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई। मुंबई में अपना होटल ताज पहुंच गए हैं, मुबारक हो। तो ये अपने पीछे होटल ताज, यहाँ पर हम लोग ठहरेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग अभी लंच करेंगे। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। बढ़िया था, ठीक है, ओके। सस्ता ताज देख सकते हैं आप, महंगा देखना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। अब आईफिल टावर चले, वो है आगे, मुंबई से सीधा पैरिस, वो है आगे। वो है ना सामने आईफिल टावर। 1 बज गया, 1 प्यास लग रही है, भूख लग रही है, धूप निकल रही है, आईफिल टावर में। चलिए चला जाए अब। वाटर पार्क के पीछे पीपल्स का ये, बट ये चालू नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। सो कोई नहीं, आगे चलते हैं, नहीं चालू है तो क्या करें। यहाँ से वाटर पार्क के आप आगे जाएंगे तो एक खाने पीने का बना हुआ है चौपाटी नाम से, यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाएगा अगर आप भूखे हैं तो। ये जुहू चौपाटी तो नहीं है मुंबई वाला, मैंने कहा अ यूनिट बाय टेस्ट ऑफ गुजरात, ये गुजरात का चौपाटी है। चौपाटी की चटपटी चाट, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती यहाँ की चाट की, मैं कानपुर की गारंटी दे सकती हूँ। ये देखिए फिर से टॉप एंड टाउन आइसक्रीम, पूरे भोपाल में टॉप एंड टाउन भरा पड़ा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये वही है, ये रास्ता वही है, ताजमहल इधर है, रेड फोर्ट इधर है, और ये बीच का रास्ता है। ब्लू वर्ल्ड नहीं शूट किया हम लोगों ने, जो दिखाने वाली चीज़ है वो भी शूट करना है किसी दिन, जाएंगे हम लोग। अरे यहाँ पे तो घोड़े भी हैं, कैमल भी है, कैमल की सवारी कर लूँ क्या? लेट हो रहा है, पता है हम लोग का प्लान अभी और है आगे। और यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे बच्चों का पार्क वार्क का है, हम लोग का पिक्चर का शो लगा हुआ है 3 बजे, तो हमें लेट हो रहा है थोड़ा। और वो देखिए बच्चे बंजी जंपिंग कर रहे हैं, बढ़िया है, आप बच्चों को ला सकते हैं यहाँ पे, मज़ा आएगा घूमने में, एक बार देखने लायक है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी सीधा अंदर घुसते ही ताजमहल है, उसके जस्ट बगल में, हम लोगों ने पहले देखा ही नहीं, ये बगल में स्टार गार्डन है, उसके अंदर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। Bye.
फिश से जो होती है, फिश मसाज कह सकते हैं आप, यहाँ आए तो कराई ले। ये क्या हो रहा है? इतनी गंदगी है पैरों में, ये जो इतनी चिपक जाती है ना, ये गंदगी खाती है पैरों की, इतनी गंदगी है हमारे पैरों में, हद हो गई। ये तो जंगल लगा दिया मेरे पैरों में। बढ़िया मजा आ रहा है, काट रही है। 10 मिनट लगाते हैं, 10 मिनट हो गया, अब इसको हटाते हैं, ये देखो क्या हुआ हुआ। चलो बाय बाय मछलियों, बाय बाय। टाइम बहुत हो गया, अब निकल रहे हैं। और फिश स्पा, बढ़िया मज़ा आ गया फिश स्पा में, 100 रुपीज़ पर पर्सन था। तो हम लोग घर आके फिर से अब निकल रहे हैं मूवी के लिए, 83 जा रहे हैं। तो वही मूवी देख के आ गए हम लोग बाहर, और मूवी वॉज ओके। जो भी क्रिकेट लवर्स है उनको अच्छी लगेगी, मैं क्रिकेट लवर नहीं हूँ तो मुझे ठीक लगी है। तो चलिए अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, बस है 9 बजे, तो हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ से। मिलती हूँ मैं आपको फिर वहीं पर। मूवी से निकलते निकलते मैंने जूते भी ले लिए, और जूते भी ले लिए। बस आ चुकी है बैक टू कानपुर, माई फर्स्ट जर्नी इन बस। ट्रेन से तो जाते ही रहते हैं, बस का सफर करके देखते हैं, एसी वाली बस है। आपको मिलते हैं सीधा कानपुर में सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। तो हम लोग पहुंच गए कानपुर। बस का सफर ठीक था, लेकिन ट्रेन ज़्यादा बेटर होती है, ये मुझे आज पता लग गया। भोपाल का सफर हम लोग का बहुत बढ़िया रहा। अगर आपको पूरी ब्लॉग्स देखने हैं, पूरे ब्लॉग्स, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और पिछले साल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है मनाली की, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ओके बाय बाय, अब आपको मिलते हैं कानपुर के नए ब्लॉग्स में। आगे देखिए क्या होता है, सब्सक्राइब करो यार। अरे